तो अगर आपकी भी किराना दुकान है और आप अपनी दुकान को अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में से अलग, सबसे यूनिक, सबसे हटके अपनी दुकान का नाम बनाना चाहते हो, अपनी किराना दुकान को फेमस करना चाहते हो, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा फेमस आपकी दुकान होगी उतनी ही ज्यादा ग्राहक आपके दुकान पर आएंगे। और आप भी आने वाले टाइम में अपनी खुद की किराना दुकान की शुरुआत करने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बेहतरीन सुविधा बताने वाला हूं ना, जो कि आपकी अगर किराना दुकान है और वो 6 सुविधा में से कोई भी सुविधा अगर आप ग्राहक को देना शुरू कर देते हो तो उस सुविधा की वजह से जो आप ग्राहक को दे रहे हो आपकी दुकान का नाम और आपकी दुकान में आने वाले कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा, इन सभी चीज की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ भाई, जो भी 6 सुविधाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, फिर 6 में से कोई भी एक फैसिलिटी अगर आप अपने दुकान में रखते हो तो आपकी दुकान पर कस्टमर ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये चीज मैंने अपने दुकान के साथ भी करके देखा है। और भाई वो 6 सुविधाओं में से ज्यादातर कुछ सुविधाएं मैं अपने दुकान में भी रखा हूं, जिस वजह से भाई मेरी खुद की दुकान ही मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में सबसे हटके और अलग बन चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले नंबर पर आता है फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, अगर आपकी दुकान में बिजली है तो आपको अपने दुकान में फोटोकॉपी मशीन जरूर रखना है, क्योंकि भाई आप की दुकान एक मोहल्ले वाले एरिया में होगी, ठीक है, या फिर किसी स्कूल कॉलेज के आसपास होगी, अस्पताल के पास होगी, तो भैया ऐसी जगहों पे अगर आपकी किराना दुकान है ना तो आपको अपने दुकान में फोटोकॉपी की मशीन जरूर रखनी चाहिए। मेरी दुकान एक साधारण से मोहल्ले में है, ठीक है, लेकिन मैंने भी अपने दुकान में फोटोकॉपी की मशीन रखी है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी दुकान उस वजह से बाकी दुकानों में, यानी कि जो मेरे मोहल्ले में बाकी दुकान है ना, उनसे सबसे अलग होती है, जिस वजह से भाई मैंने भी अपने दुकान में फोटोकॉपी की मशीन रखी हुई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार फोटोकॉपी की मशीन आती कितने की है। देखो भाई, फोटोकॉपी की मशीन आपको, आप लेना चाहो तो सेकंड हैंड भी ले सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं लेने जाओगे तो आपको 10,000 से लेकर के बाकी आप जितना महंगी लेना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। देखो भाई, मेरे पास HP कंपनी का LaserJet कंपनी का प्रिंटर है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आपको जिस भी कंपनी का अच्छा लगे आप उस कंपनी का प्रिंटर ले सकते हो अपनी किराना दुकान के लिए, उस प्रिंटर मशीन से आप फोटोकॉपी की सुविधा ग्राहक को दे सकते हो। उसके बाद भाई दूसरे नंबर पर आता है मोबाइल रिचार्ज करना। देखो भाई, अभी कुछ दिन पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड किया था कि भाई मैंने अपने दुकान में काफी सारी नई नई चीजें को ऐड किया है, यानी कि काफी नई नई सुविधाओं को चालू किया है। तो अभी मैंने क्या है, अपने मोबाइल में रिचार्ज करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार मतलब किराना दुकान में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, मेरी दुकान एक गांव वाले एरिया में है, ठीक है, तो गांव वाले एरिया में ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये लगा कि इस चीज की कमी हमारे दुकान पे है, तो मैं दुकान से ही सबके मोबाइल में रिचार्ज कर पाता हूँ। और भैया ये रिचार्ज मैं स्पाइस मनी ऐप के थ्रू कर पा रहा हूँ, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए। देखो भाई, वैसे तो अभी आप अपने फोन में UPI एप्लीकेशन चलाते होंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, इसमें रिचार्ज तो हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान करोगे तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 150 यानी कि 149 रुपए का रिचार्ज डलवा रहे हो अपने फोन में या फिर किसी कस्टमर के फोन में, तो उसमें से आपके अकाउंट से 149 के बजाय 150 रुपए या फिर 151 रुपए इस हिसाब से कुछ पैसा कटता है, जिस वजह से भाई आपको UPI पेमेंट ऐप से रिचार्ज नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई मैंने स्पाइस मनी की IT लेकर के तब ये काम शुरू किया है, तो अगर आपको भी रिचार्ज करने का काम शुरू करना है तो उसके लिए आप स्पाइस मनी की IT ले सकते हैं। उसके बाद भाई तीसरे नंबर पर आता है AEPS, यानी कि भाई आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि भाई अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो आधार कार्ड से पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध है। देखो भाई, इस चीज की भी सुविधा मैंने अपने किराना दुकान पर शुरू करके रखी हुई है, क्योंकि भाई मेरे ही दुकान गांव वाले एरिया से है, जिस वजह से भाई मुझे लगा कि इस चीज की भी सुविधा हमें ग्राहक को देनी चाहिए। तो भैया इस चीज को अगर आप भी शुरू करना चाहते हो कि आप मतलब आपकी भी अगर किराना दुकान है और आप अपनी किराना दुकान में अंगूठा लगा करके पैसे निकालने वाला काम शुरू करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक AEPS ID की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप भाई बहुत सारी कंपनीज होती है, आप चाहे तो किसी भी कंपनी से ID बनवा सकते हो, और उस ID बनवाने के बाद आप उसी ऐप से रिचार्ज और ये जो AEPS वाला काम है, यानी कि आधार कार्ड से पैसे निकालने वाला काम है, ये भी आप कर सकते हो। देखो भाई, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि भाई मैं स्पाइस मनी से कॉन्टेक्ट करके अपनी ID बनाया था, जिस वजह से भाई मैं AEPS का काम शुरू कर पा रहा हूं। और इसमें कि भाई आपको अगर आपके दुकान पे यानी कि कोई अंगूठा लगा करके 1,000 रुपए निकाल रहा है, तो उसमें 1,000 में से सिर्फ आपको 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है, यानी कि 1,000 पर 10 रुपए पर 20 रुपए। इसी तरीके से उसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा और आपके दुकान से ग्राहक भी नए नए ग्राहक चले जाएंगे। और भाई अगर आप ये काम शुरू कर रहे हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके का कागज पे प्रिंट करवा करके अपने दुकान में जरूर चिपका देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने दुकान में चिपकाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो इस तरीके से आपको भी अगर आप इस काम को शुरू करते हो तो आपको इसे अपने प्रिंट करवा करके दीवार में जरूर चिपका दीजिएगा। उसके बाद भाई हमारा चौथे नंबर पर आता है रेलवे टिकट बुक करना। देखो भाई, रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपको सिंपली IRCTC.IN की वेबसाइट पे चले जाना है, वहां पर
फिर जाकर के आपको अपनी आईडी बनानी है, यानी कि आपको वहां पे साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद ठीक है वहां पे आपको कुछ पासवर्ड देने को मांगेगा, जो कि मतलब जब जब आप उस आईडी पे साइन अप करोगे तो आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। और भैया ये इतना सारा काम करने के बाद आप किसी का भी रेलवे टिकट बुक कर सकते हो। इस काम को भी मैंने अपनी किराना दुकान में भी शुरू कर लिया है। देखो भाई, आप ये रेलवे टिकट वाला काम चाहो तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल है। और भाई आपको ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में आपको यानी कि दुकानदार को प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है। देखो भाई, एक व्यक्ति पे जैसे कि आप मान लीजिए आप अगर हमसे टिकट बुक करवाएंगे ऑनलाइन, तो एक व्यक्ति का जो चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए कि 50 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज है, तो उससे मैं 40 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन करवाने के लिए ठीक है। तो जिस वजह से भाई वो 90 रुपए टिकट एक व्यक्ति का हो जाता है। उसके बाद भाई पांचवें नंबर पर आता है, और भाई ये जो पांचवें नंबर की चीज है, ये भाई बहुत सी कॉमन सी चीज है, और हो सकता है आप में से काफी सारे किराना दुकानदार जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके दुकान में पहले से होगा ठीक है। वो चीज है भाई देखो, दूध और दही। देखो भाई ये जो दही, छाछ, मट्ठा ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर गर्मियों के सीजन में ज्यादा बिकती है। तो अगर आपके दुकान में फ्रिज है, मतलब एक बड़ी फ्रिज है या फिर डीप फ्रिज है, तो आप इन चीजों को भी अपने दुकान में रख सकते हो। वैसे भाई देखा जाए तो मेरे दुकान में अभी डीप फ्रिज नहीं आई हुई है, वैसे भाई मैं अभी इन चीजों को अपने दुकान की सुविधा अभी अपने दुकान में नहीं दे पा रहा हूं। उसके बाद भाई छठे नंबर पे जो चीज आती है, उनको भी रखने के लिए आपको अपने दुकान में फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई वो है ग्रीन मटर, जो कि भाई कुछ इस तरीके का होता है, और भाई इसे रखने के लिए आपको भी एक डीप फ्रिज की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। उम्मीद है भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।